आगे स्टार्ट करते हैं दोबारा। देखिए अब करते हैं गाउस रूल का पहला एप्लीकेशन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए वायर इसको स्टार्ट करते हैं। क्या बात हुई? सो अगर आप देखो जो हाँ मैंने आपको गाउस रूल करवा दिया, अब गाउस रूल के बाद उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, गाउस रूल के बाद में उसके एप्लीकेशंस है, ठीक है। एप्लीकेशंस में देखो मैं आपको चलो डिटेल में बताता हूँ, पहले सुनो। अगर गाउस रूल की बात करें तो गाउस रूल के अंदर एक तो आपका है, देखो पहले तो आपके 6 एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन है वायर का। गाउस रूल की हेल्प से आप लोग फ्लक्स निकाल सकते हो फाइ इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और फाइ इज इक्वल टू ई डॉट डी एस भी होता है। अब ई डॉट डी एस और क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट को इक्वल कर दो तो डी एस आपको पता भी होता है, कोई सरफेस का आप इंची टेप लेके या कोई भी मेथड से उसका एरिया नाप सकते हो, ठीक है। उसके अंदर कितना चार्ज है वो भी नाप सकते हो, क्यू भी नाप सकते हो, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट आपको बताई है तो फिर आप क्या निकाल सकते हो, आप कोई भी सरफेस कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी वो निकाल सकते हो। तो देखो गाउस रूल का सीधा सा एक ही एक एप्लीकेशन अच्छा है कि गाउस रूल से आप क्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। आपका जो सिलेबस है उसके अंदर सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वायर के लिए, ठीक है, सुनना ध्यान से। सबसे पहले तो वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वायर के बाद में फिर एक तो आपके है नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए, जैसे बोर्ड हो गया ये शीट है तो ऐसी नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, फिर है कंडक्टिंग शीट के लिए, फिर है कंडक्टिंग स्फेयर के लिए, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के लिए और कंडक्टिंग होलोस्फेयर के लिए, नॉन कंडक्टिंग होलोस्फेयर के लिए, बस इतने हैं आपके। और इसके अंदर से आपका जो 56 नंबर का एग्ज़ाम होता है उसमें एक क्वेश्चन बन जाता है हर बार, ठीक है। तो बस इतना आप ध्यान रखो, ये इतने सारे पढ़ लो तो उसमें एक क्वेश्चन डेफिनेटली है, क्योंकि 6 एप्लीकेशन है, 6 में से एक ना एक पूछेगा ही पूछेगा, और जैसे ही 6 एप्लीकेशन ख़त्म ये चैप्टर ख़त्म, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखो कि इसके, तभी हम बोल रहा था कि जो गाउस रूल है ना वो चैप्टर की सोल है, गाउस रूल कर लो उसकी एप्लीकेशन कर लो चैप्टर ख़त्म। तो सबसे पहले मैं वायर वाला करवा देता हूँ आपको, ठीक है। सुनो भाई वायर वाला सुनो, फिर देखो जो गाउस रूल है उसके अंदर आपने क्या बोला, गाउस रूल में आपने बोला कि ये कोई वायर है, ठीक है। अच्छा इसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मान लो कोई कहाँ पर निकालना है आपको वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो यहाँ पर निकालना है, ठीक है। मैंने ये पॉइंट मार्क कर दिया, इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो इस वायर को चार्ज दो, बिना चार्ज तो कहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले तो इसको चार्ज दो, क्लियर है। अच्छा चार्ज देने के बाद अब आप क्या करो, अब आप इससे ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कुछ ले लो आप, मान लो ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ कितनी, एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, ये डिस्टेंस मैंने मान ली, क्लियर। अच्छा अब आप एक काम करो, दो छोटे डी एस पोर्शन लो, एक तो डी एस पोर्शन यहाँ पे ले लिया, यहाँ डी एल होगा क्योंकि वायर है, डी एस कब होता जब सीट होती, और डी वी कब होता जब स्फेयर होता, और एक आप यहाँ पर लो डी एल, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का सिंपल सा तरीका है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज ले आओ प्लस क्यू नॉट। अब सुनो ये जो पोर्शन है इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये इस प्लस क्यू नॉट को किधर धकेलेगा, दोनों प्लस प्लस है तो ये प्लस क्यू नॉट को इधर धकेलेगा, तो जिधर चार्ज को धकेला जाता है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ वाला पोर्शन है ये किधर धकेलेगा, इधर धकेलेगा क्यू नॉट को, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एंगल आप क्या एज्यूम कर लो, थीटा, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी आपका कितना थीटा, ठीक है। अब आप एक चीज सुनो,
अगर ये एंगल थीटा, ये ई, तो ये जो कंपोनेंट है इधर, ये क्या बन गया, ई कोस थीटा, और इसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो क्या बन गया, ई साइन थीटा। अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो ये जो ई है ना, इसको अलग निकाल लो, इसको अलग निकाल लो ऐसे, और अब ग्राफ बना लो एक्स एक्स वाई, एक्स में क्या होता है ई कोस थीटा, वाई में क्या होता है ई साइन थीटा। क्लियर? अच्छा, ये वाला ई है, इसके कारण, इसके कारण ऐसे ग्राफ बना लो, ये एक्स और ये वाई, तो इस ई के कारण भी एक्स डायरेक्शन में तो ई कोस थीटा और वाई डायरेक्शन में ई साइन थीटा, तो इसके कारण इधर तो ई कोस थीटा और इसके परपेंडिकुलर इधर ई साइन थीटा, ई साइन थीटा से ई साइन थीटा कैंसिल। आपको जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस में मिलेगा, ई कोस थीटा की टर्म में मिलेगा। क्लियर है? तो आप देखो कि ये जो डायग्राम बनाया, इस डायग्राम से हमें क्या पता चल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, देखो ये गलत होगा वैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड्स डायरेक्शन कुछ नहीं होता, बट वी आर नॉट वर्किंग ऑन ग्रामेटिकल थिंग्स, वी आर वर्किंग ऑन साइंटिफिक थिंग्स, सो वी कैन इग्नोर इट। वैसे मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड्स डायरेक्शन ऐसा कुछ नहीं होता, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। जैसे आप लिखते हो ना कई बार, मदर्स रोहन्स कार, अंकल्स पर्स, राधेस गाउ काउ, तो वैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड्स डायरेक्शन नहीं लिख सकते। मैं सही लिख देता हूँ, ठीक है, मुझे अजीब लग रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें तो वो क्या होगी, वो होगी परपेंडिकुलर टू सरफेस और इन द टर्म ऑफ, किसके टर्म्स में, ई कोस थीटा के टर्म्स में। ठीक है, तो जो आपका एग्जाम होगा ना, सुनो मेरी बात, जो आपका एग्जाम होगा उसके अंदर जो क्वेश्चन आएगा, जो मतलब एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालो एटसेट्रा एटसेट्रा, ये करो वो करो, तो उसके अंदर देखो दो पार्ट होंगे क्वेश्चन के, एक तो डायरेक्शन निकालना और एक आपका वैल्यू निकालना। डायरेक्शन निकालना एक नंबर का पार्ट होगा और आपका जो वैल्यू निकालना है वो तीन नंबर का पार्ट होगा। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर दो डायग्राम बनेंगे, तो देखो एक नंबर इस डायग्राम का हो गया, और तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं है कि लाइन ही है डायग्राम, तो एक नंबर इस डायग्राम का हो गया। एक डायग्राम और बनेगा जब वैल्यू निकालेंगे। इस डायग्राम से सिर्फ इतना पता चलता है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, और इससे पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी क्या, ई कोस थीटा की टर्म में। ठीक, अब आगे नेक्स्ट निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, उससे ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो वो एक डायग्राम वहाँ पे और बनेगा। ठीक है, तो वो डायग्राम एक नंबर का और उसके नीचे छोटा सा डेरिवेशन है दो तीन लाइनों का, वो डेरिवेशन एक नंबर का, और एक नंबर की थ्योरी आपको बीच में लिखनी पड़ेगी, चार नंबर का क्वेश्चन आएगा ये। थ्योरी कैसे लिखनी पड़ेगी आपको बताना पड़ेगा, कि हम एक वायर लेते हैं, उस वायर से एक्स डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसके लिए हम ऊपर और नीचे दो डीएल पोर्शन लेते हैं, और वो जो दो डीएल पोर्शन आपके हैं, एक ये वाला डीएल पोर्शन और एक ये वाला डीएल पोर्शन, ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगाते हैं, उस ई को हमने कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया ई कोस थीटा की टर्म में, और ई साइन थीटा की टर्म है वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अब दो के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो ई कोस थीटा की टर्म में आया, तो ई के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आया, परपेंडिकुलर टू सरफेस इन द टर्म ऑफ ई कोस थीटा। आई होप आपको कम से कम इसकी डायरेक्शन क्लियर होगी, अगर ना क्लियर हो तो लेट मी नो इन कमेंट्स, एंड अगर क्लियर हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब निकालते हैं वैल्यू। ठीक है, सुनो तो फिर, सो आगे
वैल्यू देखते हैं, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए वो एडिंग तो होगी होगी, ये बस ऐसे ही लगा रहा हूँ मैं। तो अब की बार वही वो वायर था, ठीक है, इस वायर के इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, ये कोई पॉइंट था। अब आप कर रहे हो, हाँ एक चीज़ और, जो वायर था उससे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द वायर, ऐसे होगा ना, चाहे कोई पॉइंट पे देख लो, हमने पीछे डायग्राम में देखा था क्या होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस, इधर भी परपेंडिकुलर टू सरफेस, है ना, ऐसे, ठीक है। हाँ अब सुनो, आपको इस वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और किसकी हेल्प लेके निकालना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है गाउस रूल की हेल्प लेके। अब सीधी सी बात है, अगर आप गाउस रूल की हेल्प लोगे तो उसके अंदर, गाउस रूल के अंदर एक कंडीशन थी, उसके अंदर क्या कंडीशन थी, उसके अंदर ये कंडीशन थी कि एक सरफेस होनी चाहिए। क्या वायर कोई सरफेस है? नहीं, वायर एक लाइन मानते हैं हम लोग, एक सरफेस नहीं मानते। तो फिर क्या करें, तो फिर ये जो इतना 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 ये जो चार्ज है वायर पे फैला हुआ, उसको एक सरफेस में बंद करो। तो भी हम क्या करते हैं, फिर इस पॉइंट पे निकालना था ना इलेक्ट्रिक फील्ड, हम अपनी इमेजिनेशन में ऐसा एक सिलेंडर मान लेते हैं, ठीक है, या वायर को कोई सिलेंडर लेके प्लास्टिक का उसमें बंद कर दो, हम अपनी इमेजिनेशन में ऐसा क्या मान लेते हैं, एक सिलेंडर मान लेते हैं, ये लाइन से रेज कर दूं क्या सही, ओके, ठीक है, तो ठीक है, तो ये आपका वायर था। अब ये जो इतना वायर जो इतना सारा है, इसकी लेंथ मैं मान लेता हूँ एल, ओके, और इस वायर की जो ये रेडियस है ये मान लेता हूँ, ओके, क्लियर है। हाँ, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो जो फ्लक्स होगा वो किस किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड या किसकी टर्म में होगा, ई कोस थीटा की टर्म में, ठीक है, हमने निकाला था ना, जो आपका ई कोस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई कोस थीटा की टर्म में होगा। व्हाट एम राइटिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगा किसकी टर्म में, ई थीटा की टर्म, क्लियर। अब आप एक चीज सुनो, हमने गाउस का रूल पढ़ा है, गाउस का रूल क्या कहता है, फ्रॉम गाउस रूल, गाउस रूल कहता है कि इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ठीक है, हमें पूरे वायर का निकालना है ना, तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलन नॉट, ये कहता है, ठीक है। अब आप एक चीज सुनो, यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ ई डॉट डी एस की, तो यहाँ अगर आप ये वायर है, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है, इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर ही है, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है। तो हमने गाउस रूल क्या लिखा, E डॉट डी एस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। चलो ये बताना ज़रूरी नहीं है कोस थीटा, ये तो बस डायरेक्शन बतानी होती है, बस इतनी बतानी होती है कि सरफेस के परपेंडिकुलर, ई कोस थीटा साइन थीटा कोई नहीं पूछता। हाँ अब सुनो, गाउस यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वैल्यू में कहाँ से स्टार्ट करना है, फ्रॉम गाउस रूल से, देखो करते रहना है, कंटिन्यू करना है इस पे, ठीक है, ये पूरा जब तक समझ में नहीं आए तब तक वीडियो को एंड तक देखना है,
वैल्यू के अंदर मैंने बता दिया, डायग्राम बनाया था, ई साइन थीटा कैंसिल हो गए थे, रिजल्ट आया ई कोस थीटा में, हमें मतलब ही नहीं ई कोस थीटा का, हमें सिर्फ इतना मतलब था कि रिजल्ट आया था सरफेस के परपेंडिकुलर। तो बस इतनी बात ध्यान में रखनी है कि जो वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अच्छा, अब बात करते हैं आगे दूसरा कि वैल्यू कैसे निकालें। तो वैल्यू निकालनी है गाउस रूल से, और गाउस रूल कहता है ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब देखो भैया इसके अंदर कितने डीएस है, तो इसके अंदर एक तो ये वाली सरफेस है, कोई भी जो आपका होता है ना सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर टोटल तीन सरफेस होती हैं, एक तो ये सरफेस इसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस, तो ये वाली सरफेस ये एक डीएस है, एक ये वाली सरफेस ये वाली जो दिख रही है ये दूसरा वाला डीएस है, और एक ये वाली सरफेस ये तीसरा डीएस है। तो कोई भी आपका जो सिलेंडर होता है ना सिलेंडर के अंदर तीन सरफेस होती है, टोटल तीन सरफेस। अब देखो इसको करते हैं, सुनो अगर तीन सरफेस है तो फिर इसको तोड़ लो। आप क्या करो, आप एक काम करो ई डॉट डी एस वन। अब देखो अगर आपने तोड़ दिया ना सरफेस को तो फिर ये सरफेस क्लोज नहीं रही, ओपन हो गई। अब यहाँ पे भूल से ये साइन मत लगा देना, ठीक है। दूसरा देखो ई तो हर जगह सेम रहेगा परपेंडिक्यूलर टू द सरफेस, डी एस बदलेगा, दूसरी ये वाली सरफेस ई डी एस टू, और तीसरी ये वाली सरफेस ई डी एस थ्री, और ये तीनों ही किसके इक्वल है सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। सिग्मा लगाना कोई ज़रूरी नहीं, हमने टोटल ये मान लिया कि ये चार जोड़ जाड़ के कितना है क्यू। अब सुनो सबसे पहले आप बात करो इस डी एस वन की, आप अगर सिलेंडर का यहाँ से कुछ काट के निकालो, ये मार्कर है, इस मार्कर का अगर आप यहाँ से कुछ काट के निकालो तो यहाँ पे कट मारोगे ब्लेड से और ऐसे बार की तरफ निकाल लोगे, आई बात समझ में। तो ऐसे बार की तरफ निकालोगे, यहाँ मेरा कहने का मतलब है ऐसे बार की तरफ निकालोगे इस डायरेक्शन में, तो इसका इधर ही तो ई है और इधर ही इसका क्या हो जाएगा निकलेगा डी एस, और दोनों एक ही डायरेक्शन में निकलेंगे तो जो ई और डी एस वन है उनके बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा कोस जीरो डिग्री, ठीक है। दूसरा ई डी एस टू, ये देखो ये है डी एस टू, ये इस सरफेस को काट के कैसे निकालोगे, इस सरफेस को यहाँ से ब्लेडी से काटा ऐसे बार की तरफ निकालोगे, तो डी एस टू किधर होगा इधर, बट ई तो हमेशा ही वायर के परपेंडिकुलर। अब बताओ ई और डी एस टू के बीच में कितना एंगल है, आप बोलोगे 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो ई और डी एस टू है उनके बीच में जो एंगल है वो कितना है। अब आप बताओ यहाँ सरफेस काट के निकालोगे तो ऐसे निकलेगी, ये सरफेस है इसको काट के बाहर ऐसे निकाल लोगे तो यहाँ सरफेस निकलेगी डी एस थ्री, तो प्लस में ई डी एस थ्री कोस 90 और इज इक्वल टू क्यू अपॉन में कोस 90 होता है ज़ीरो, तो ये वाली पूरी टर्म ज़ीरो, कोस 90 होता है ज़ीरो तो ये वाली पूरी टर्म ज़ीरो, ई डी एस वन इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ई तो बाहर आ जाएगा, डी एस वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा एस वन क्यू अपॉन में, ठीक है। ई का ई एस वन, एस वन कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया है ना, डी एस वन ये इतना सा था तो एस वन ये पूरा एरिया है, और कोई भी सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2πRh, और यहाँ सिलेंडर की लेंथ L है तो 2πRL, और इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। E कितना आ गया, E आ गया Q अपॉन में 2πRL एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये थोड़ा फॉर्म बस आंसर तो आ गया, अगर यहाँ तक करके आओगे आपके कोई मार्क्स नहीं काटता, एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा, एकदम सही है। बट फॉर्मूले को थोड़ा सा सुंदर बनाते हैं, कैसे बनेगा,
E इज इक्वल टू, एक चीज बताओ, क्या मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से ठीक है, ऊपर क्या बन गया 2, नीचे 2 2 जा 4, पाई एप्सिलन नॉट, ठीक है, और यहाँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 2 इंटू, ठीक है, क्यू अपॉन में एल, और क्या बच गया आर, 1 बाय आर, तो भी 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है के, 2 का 2, क्यू बाय एल क्या होता है टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा, और बाई में आर, तो सुंदर फॉर्मूला जो है वो क्या है 2 के लेमडा अपॉन में आर। तो यहाँ तक कराना, अगर वो डायरेक्टली यही पूछे कि वायर के लिए निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो और अगर वो फॉर पूछ ही ऐसे ले कि प्रूव दैट फॉर ए वायर इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू इज इक्वल टू टू इज इक्वल टू 2 के लेमडा अपॉन में आर, मतलब प्रूव करके दिखाओ कि कोई वायर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2 के लेमडा अपॉन में आर के इक्वल होगा, तब आपके लिए नेसेसरी है, तब आपको करना ही पड़ेगा, तब आपको पूरा लिखना पड़ेगा E इज इक्वल टू 2 के लेमडा अपॉन में आर, दैट इज द कॉन्सेप्ट। ठीक, कर लोगे ना इसको, कर लेना भी, और इसमें कुछ नहीं है। बाय।